अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें जी, अभी माशाल्लाह तो यहाँ से जी अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पीके बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कंपेन आ गई है जी आज, तो अभी इंशाल्लाह गंदम निकालेंगे, तो दिखाते हैं जी आपको हार्वेस्टर से गंदम कैसे निकाली जाती है। ये न्यू हॉलैंड की है जी ये कंपाइन। तो ये देखें जी, अभी माशाल्लाह तो यहाँ से जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, कटाई अभी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें, ये जो भूसा निकला है ना, तो बाद में चापड़ के साथ ना इसकी तूड़ी बनाएंगे। तो देखें माशाल्लाह, केला भी हरा भरा हो गया। वो है जी पीके का फार्म सामने माशाल्लाह। तो जल्द ही जी परिंदों की भी आमद शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, तो साथ साथ आपको जी ना अपडेट देते रहेंगे। तो ये देखें, ये है जी माशाल्लाह गंदम, ये देख लें जी। तो अभी ये 5 एकड़ है लास्ट तक, जो खाला है ना जहाँ पे हम मॉर्निंग वॉक में अक्सर वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ तक है। वहाँ से यहाँ तक हवेली तक जी ना सारी काटेंगे, तो तकरीबन ये मैक्सिमम आधा घंटा या 40 मिनट में इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देगी, और 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन देखें दोस्त, अभी ये आ गई है माशाल्लाह, और मक्की भी रेडी है बिल्कुल। आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखें जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जी ना ये सिस्टम है, फौरी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह गंदम, क्योंकि मौसम अभी ना देखें, आज तो मौसम माशाल्लाह काफ़ी साफ़ है, लेकिन कल का दिन छोड़ के जो परसों का दिन था ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था। इसलिए तो किसान सारे अभी जल्दी में हैं कि किसी तरह ना कवर कर लें फौरी जल्दी जल्दी गंदम को। तो ये देखें माशाल्लाह जी, ये सारी अभी इंशाल्लाह जल्द ही ना देखें ना, एक चक्कर लग गया अभी। तो ये आम के बूटे लगाए थे ना जो सेंटर में, तो वहाँ से ना थोड़ी सी काट दी गई है। ये देखें, ये आम का बूटा है ये वाला, ये देखें हम। काटते हैं इसको, कवर करते हैं सारी को। ये अभी पल्लड़ बिछा दिया है, तो इसके ऊपर जी ना दाने डालेंगे, ये देखें जी माशाल्लाह पल्लड़ बिछा दिया है। तो अभी ये कंपाइन आ गई है, ये देखें,
ये देखें जी, ये जाफ़र भाई हैं जी, इसकी गंदम है। तो अभी ये देखें, ये आ गई जी, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह जी। देखें जी माशाल्लाह, लें जी एक दफ़ा जी, जो गंदम थी ना वो ढेरी कर गई है। तो अभी दिखाते हैं आपको गंदम, माशा ये देखें जी माशाल्लाह। तो दोस्तों अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ दें जी अपने पीके भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।